और आज हम सोलह मार्च 2023 रामनगर लखनपुर निवास स्थान से निकले हैं सीतावानी के लिए। रामनगर वालों के लिए सुविधा है, आधार कार्ड पर रामनगर वालों के लिए, इसके अलावा जिप्सी वगैरह में यहाँ से जा सकते हैं, परमिशन बनता है, पास बनता है। हम अपने फैमिली के साथ आए हैं, तो वन्य जीव तो यहाँ पर अभी नहीं मिले हैं फिलहाल, और जंगली जीवन कुछ नया लोकेशन हमें मिला है। अभी तो भागने का कहाँ, कहीं भागने का नहीं है, देखो गाड़ी में कोई स्पीड नहीं, कोई कुछ नहीं। दिन का समय है तो यहाँ पर दिन में गर्मी बढ़ जाती है, पानी के इर्द गिर्द जानवर जाते हैं, छाँव में चले जाते हैं। यहाँ पर पानी का एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर जानवर नहीं है। निचले एरिया में ठंडक रहती है, इसलिए जानवर सुबह शाम उधर चले जाते हैं। दिन में जंगल खाली है ये, अभी कोई भी वन्य प्राणी हमें नहीं दिखा है। शेर हाथी सभी यहाँ पर होते हैं, तो उनके निशान भी मिल रहे हैं हमें। अभी हम सीतावनी का ये पार्किंग एरिया कह सकते हो, पार्किंग एरिया में हमने अपनी गाड़ी लगाई है, गाड़ी लॉक कर दी है, और ये सामने सीतावनी एंट्री लेंगे हम यहाँ से। ये बहुत ही प्राचीन समय से ये जलधारा बह रही है, बहुत ही ताजगी का एहसास हुआ है हमें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है। आशा है आप सभी लोग यहाँ पर आए और इस स्थान को देखें, समझें यहाँ की महत्व को। तो बहुत सुंदर दृश्य है, देखिए ये माता सीतावनी, ये क्षेत्र है माता सीता के नाम से सीतावनी, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। आज गर्जिया के पंडित जी, छोटे वाले पंडित जी, हम यहाँ पर आए हैं, जय हो, तुम्हारी सभी भक्तों को आशीर्वाद है, सभी मित्रों को हमारी शुभकामनाएं है। इस क्षेत्र में आइए, इस प्राचीन क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र में आपको आना चाहिए, अपनी प्राचीन सभ्यता को देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य है, चारों तरफ जंगली जंगल, हनुमान जी बहुत है यहाँ पर, जय माता जी। और ये सीतावनी क्षेत्र में हम, वन क्षेत्र है और प्राचीन मंदिर से यहाँ का जो रमणीक स्थान है ये और भी सुंदर हो गया है। आम के बोर भी हैं, आ चुके हैं बोर, और घना वन क्षेत्र है ये, देखिएगा चारों तरफ सीतावनी वन क्षेत्र है। और काफ़ी सुंदर तालाब भी दिखाया हमें, और बहुत ही यहाँ सिर्फ साधु संत लोग रहते हैं, कुछ सेवक लोग हैं बस, ऊपर इनका आश्रम बना हुआ है, कोई भी आइए, कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही प्राचीन स्थान है, आप सभी को दर्शन होते रहे यहाँ के, जय माता की।
को कहाँ को जाएंगे हम? और अभी हम सीतावनी कुछ क्षेत्र को पार कर लिया है। अब धीरे धीरे ये पावलगढ़ का वन मार्ग है, जिसमें जिप्सी संचालित होती है, वही मार्ग है ये। दिन का समय है, इसलिए वन्य प्राणी अभी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, तो थोड़ा सा ये RCC वाला मार्ग भी मिला है। बहुत सुंदर यात्रा है जय माता की। अपना खाने पीने का व्यवस्था होनी चाहिए, और ये हाथियों के भी निशान हैं रास्ते में, तो खाना पीना और अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। और मार्ग वन क्षेत्र पर्यावरण के प्रति आपका लगाव तभी बनेगा जब आप जंगलों में निकलेंगे। बहुत अच्छी जगह थी जय माता की। आगे भी ऐसे ही हम आपको दर्शन कराएंगे जय माता की।